इससे पहले हमने स्टॉक ट्रेडिंग की दो वीडियोस देखी। पहले वीडियो में हमने देखा कि हमें प्रॉफिट कैसे हुआ और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि हमने वहां पर कौन सी गलतियां की जिससे कि हमें लॉस हुआ। आज मैं फिर से स्टॉक में ट्रेड लेने वाला हूं। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को आपको एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ वो कभी न कभी आपके साथ जरूर हो सकता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। देखिए, अभी टाइम 10:47 हो रहा है और मैंने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक में ले लिया है। मैंने सिंपली यहाँ पर 300 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। एंट्री लेते ही हमें यहाँ पर 200-300-450 रुपए तक का लॉस दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लिया है और जैसे इसकी प्राइस ऊपर गई हमारी एंट्री हुई और उससे थोड़ी सी ऊपर इसकी प्राइस चल रही है, इसलिए हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। सिंपली अगर हम चार्ट को देखें तो मैंने इस कैंडल पर यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ सबसे पहले स्टॉप लॉस को सेट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है 740 रुपए पर, हमारा स्टॉप लॉस है 750 रुपए पर। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक रिस्की ट्रेड ली है। जैसे इसकी प्राइस हमारे फेवर में आएगी हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। अभी हमें इसमें 200-300-400-500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। जितना पहले हमें इसमें लॉस दिख रहा था उतना अभी हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान दें, स्टॉक ट्रेडिंग को सीखें कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। क्योंकि अभी न्यूज आ रहे हैं कि एफनो ट्रेडिंग बंद होने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान दें। अगर आप एफनो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं फिर भी आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना चाहिए देखिए, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पैर में सिकंजा लगा हुआ है, जिस वजह से मुझे बैठने में काफी दिक्कतें होती है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और कई बार ऐसे मोमेंट पर प्रॉफिट और लॉस होता है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर हम वापस अपने ट्रेड को देखें तो अभी हमें यहाँ पर 1,112 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर यह कैंडल नीचे तो आ रही है, हमारा टारगेट यहाँ तक है। अगर यहाँ तक इसकी प्राइस आ जाती है फिर हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। देखते हैं कि कितने समय में हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी वापस से हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो चुका है और हमें यहाँ पर 700-800 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ वहाँ पर ऐसे प्राइस चेंज हो जा रहा है। अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंपली 2-3 चीजों पर अच्छे से फोकस करते हैं तो आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। देखिए, मैंने भी पहले काफी चीजें ट्राई की, काफी सारे इंडिकेटर को यूज किया, काफी सारे स्ट्रेटजी को यूज किया, अलग अलग चार्ट को देखा, अलग अलग पैटर्न को यूज किया, लेकिन उन सब चीजों से एक दिन प्रॉफिट होता था तो दूसरे दिन लॉस हो जाता था। फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकता। फिर मैंने धीरे धीरे अपने रूल्स बनाने स्टार्ट किए कि मुझे किस चीज को देखकर कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट होना है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, किस दिन कैसे ट्रेड करना है। मैंने धीरे धीरे अपने खुद के रूल्स बनाने स्टार्ट किए और अगर आज मैं 5 ट्रेड लेता हूं तो उसमें से मुझे 3 या 4 ट्रेड में प्रॉफिट तो होता ही है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज कीजिए और 5-6 कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज कीजिए। अगर आप कुछ समय तक एक ही चीज को प्रेस्टिक करेंगे तो वैसे ही आपको अलग अलग नई नई चीजें पता चलने लगेंगी। दूसरी, आप हमेशा ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस और टारगेट को सही जगह पर सेट करें। और तीसरी, आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, लालच में ट्रेड ना करें। अगर आप इन सब चीजों को अपने ट्रेडिंग में प्रेस्टिक करते हैं तो आपको खुद अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा। नहीं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे की वीडियोस देखकर उसकी स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, फिर उसकी वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियोस देखकर उसकी पैटर्न को यूज कीजिए, ऐसे तो आप ट्रेडिंग में अपने पैसे को लॉस ही करते रहेंगे। देखिए, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसी चीज बता दे जिससे कि आप जब भी ट्रेड ले आपको प्रॉफिट हो जाए, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस चीज को आपको खुद ही ढूंढना होगा और खुद ही पहचानना होगा।
अगर अभी हम अपने ट्रेड को देखें तो अभी हमें इसमें 1200-1400 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर देखिए, पहले हमारा स्टॉप लॉस था 750 रुपए पर, अब हमारा स्टॉप लॉस है 746 रुपए पर। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को भी आपको सही से यूज करना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप अपने स्टॉप लॉस को क्लच जगह पर ट्रेल करें और उसकी प्राइस वापस जाकर आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, उसके बाद वापस गिर जाए। तो इसे भी आपको सही से यूज करना आना चाहिए। और ये सारी चीजें आप इस चैनल पर बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी रिवर्स हो चुकी है। हमें यहाँ पर कुछ देर पहले 1400 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी वो प्रॉफिट कम होकर 600-700 रुपए तक आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन अगली कैंडल बनते ही तेजी से ऊपर जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट काफी तेजी से कम हो रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो हमारा प्रॉफिट कम होकर 300-200-100 रुपए तक आ चुका है। आप यहां पर इस कैंडल को भी देख सकते हैं, यह कैंडल काफी तेजी से ऊपर जा रही है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और शायद अब हमें यहां पर लॉस भी देखने को मिल सकता है। देखिए वापस से कैंडल नीचे तो आई है और हमें यहाँ पर 500-650 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखते हैं कि यह कैंडल ऊपर क्लोज होती है या डाउन साइड में आकर क्लोज होती है। देखिए यहाँ पर कैंडल क्लोज तो हो चुकी है, लेकिन रिस्क बढ़ गया है स्टॉप लॉस हिट होने का। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है। सिंपली देखिए, मैंने इस कैंडल के टॉप के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी पैटर्न को देखकर एंट्री लें तो उससे ऊपर ही अपने स्टॉप लॉस को सेट करें। देखिए यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अभी हमें इसमें 15 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए लॉस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 150-250-300 रुपए तक हमारा लॉस पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ चार्ट को देखें तो छोटी छोटी कैंडल धीरे धीरे ऊपर जा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन हमने सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है तो हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए अगली कैंडल बनते ही काफी तेजी से नीचे आ रही है, जिसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है कि हाँ यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस अभी तो हिट नहीं होगा। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो हम वापस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। 500-400-300 रुपए तक का हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली हमें यहाँ पर एंट्री बनाए हुए 45 मिनट होने वाले हैं। हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर और अभी इसकी प्राइस यहाँ तक आई है और यह कैंडल तेजी से नीचे आ रहा है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि इसी कैंडल के अगले कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर हमें 1500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए जैसे जैसे कैंडल ऊपर जा रही है, वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है। अभी हमें इसमें 1600 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखते हैं कि यह कैंडल क्या करती है, ऊपर होकर क्लोज होती है या नीचे जाकर क्लोज होती है। देखिए यह कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। अगर यह कैंडल इससे थोड़ी सी बड़ी बन जाए तो एक ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर अभी हमें यहाँ पर देखें तो हमें इसमें 1800 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर देता हूँ। पहले यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था 746 रुपए पर, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को 744 रुपए पर कर देता हूँ। देखिए कैंडल नीचे तो आ रही है, अगर ये तेजी से नीचे आ जाए फिर तो एक ही कैंडल में हमारा सारा काम हो जाएगा। देखिए जैसा हमने सोचा था वैसे ही कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2200-2300 रुपए तक पहुंच चुका है। वापस से हमारा प्रॉफिट कम होने लगा है, 2019-1800 रुपए तक हमारा प्रॉफिट आ चुका है। देखिए इस स्टॉक में कैंडल काफी स्लो नीचे आ रही है, लेकिन काफी तेजी से ऊपर चली जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल यहाँ तक आकर वापस से रिवर्स हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 1200 रुपए तक आ चुका है। हमें यहाँ पर कुछ देर पहले 2400-2500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी वो प्रॉफिट कम होकर 1200 रुपए तक आ चुका है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमें प्रॉफिट होता है। देखिए यह कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है। अगर यह अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है फिर तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। यहाँ पर हमारी प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रही है, मुझे लगता है कि कैंडल नीचे आ रही है। अगर कैंडल नीचे आती है फिर तो हम वेट करेंगे, लेकिन अगर कैंडल ऊपर जाकर क्लोज होती है फिर तो हम एग्जिट हो जाएंगे। देखिए यह कैंडल तेजी से नीचे आ रही है, मुझे लगा भी था यह कैंडल नीचे ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्कैल्परों ने एंट्री लिया और यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक किया, इस वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना। वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2020-2040 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए अभी टाइम 11:55 हो रहा है और अभी भी हमारा ट्रेड उसी रेंज में फंसा हुआ है। जितना प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखा था उतना ही प्रॉफिट अभी भी हमें दिख रहा है।
देखिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा, यह एफएनओ ट्रेडिंग नहीं है कि आपने एंट्री लिया, 5 से 10 मिनट में आपको प्रॉफिट हुआ और आप यहां से एग्जिट हो गए। स्टॉक ट्रेडिंग में टाइम देना पड़ता है, एक एक ट्रेड दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी कम मूवमेंट करती है, इसलिए यहाँ पर स्लो प्रॉफिट और स्लो लॉस होता है। कई बार आपको ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जिसमें एंट्री लेने के बाद दो से तीन घंटे में आपको प्रॉफिट दिखे, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं फिर तो ये चीजें आपके लिए बोरिंग लगेगी, लेकिन स्टॉक में ऐसा ही होता है, प्राइस काफी स्लो मूवमेंट करते हैं, हमें धीरे धीरे प्रॉफिट दिखता है और धीरे धीरे लॉस होता है। लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक मिलते हैं जिसमें कि अचानक से रैली आती है, हम जैसे एंट्री लेते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर टाइम हमारे साथ ऐसा ही होगा, हम जब भी स्टॉक में ट्रेड लेंगे तो कम से कम हमें 30 से 35 मिनट तक वेट करना ही पड़ेगा। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम 12:57 हो चुका है, सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी 10:47 पर और एग्जिट हुए हैं 12:57 पर, जहाँ पर हमने 2100 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। देखिए, यहाँ पर हमारा टारगेट तो 3600 रुपए तक का था, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर 2100 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक की प्राइस एक सपोर्ट बना रही है, कई बार इसी रेंज में आ रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस रिवर्स हो सकती है, इसीलिए मैं यहां से 2100 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुका हूं। अगर हम यहां पर स्टॉक के चार्ट को देखें तो सिंपली मार्केट ओपन होते ही इस स्टॉक की प्राइस तेजी से ऊपर गई, सिंपली मुझे यहां पर एक पैटर्न दिखा, मुझे यहां पर लगा कि इस स्टॉक की प्राइस यहां से यहां तक डाउन साइड में आ सकती है, तो सिंपली मैंने यहां पर एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई और यहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और यहां तक अपने टारगेट को सेट किया, जिसमें काफी टाइम लग गया इस स्टॉक की प्राइस को हमारे टारगेट तक पहुंचने में, लेकिन वहां तक इसकी प्राइस पहुंची भी नहीं, इसलिए मैं यहां पर 2100 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया। देखिए, अगर आप कुछ दिन एक चीज को प्रेस्टिक करेंगे, एक चीज को यूज करके ट्रेड लेंगे, तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा। मैं काफी टाइम से सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न और एक दो इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड लेता हूँ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आपको इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आप स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।